हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग फिर यहाँ पर आप लोगों के साथ आ गए हैं। सामने महाभ्यास बैच है वजह सड्डा का। आज शाम के 7 बजे से इस समय समय हो रहा है और आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में भी काफी चीजें होती हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही है, बच्चों पहले ही बता चुके हैं कि 40 क्वेश्चन आते हैं यूपी एसआई में, ठीक है? यूपीएसआई में आते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 40 क्वेश्चन आते हैं। उसमें काफी बार बताया जा चुका है कि जो पोर्शंस उसमें कवर होते हैं बच्चों, वो होते हैं सबसे पहले तो जनरल स्टडीज होती है, ठीक है? जनरल स्टडीज होते हैं और जनरल स्टडीज का ही पोर्शन होता है ये स्टैटिक, जो चीजें फिक्स्ड है। जैसे ताजमहल, अगर ताजमहल फिक्स है कि कहां पर है और वो एक देश इंटरनेशनल लेवल पे एक अजूबों में घोषित है, शामिल है, तो वो स्टैटिक है ना। तो स्टैटिक पोर्शन का भी अपना एक रेलेवेंस है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि इस चीज का भी अपना एक महत्व है, ठीक है? ठीक है, तो आज का हम लोगों को बच्चों पहला क्वेश्चन जो आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। आप लोगों को हम 5 सेकंड का टाइमर देंगे बच्चों। टाइमर लगे हुए हैं हर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? टाइमर चलेगा, आप लोग आंसर बताएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आप लोगों का हिसाब है, कितनी तैयारियां आप लोगों की बन चुकी हैं। क्योंकि आप लोग हमेशा बस एक ही बात बोला करते हैं, सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। ये तो देखो जरा कि आप लोग वैकेंसी के लिए कितना प्रिपेयर है। मान लीजिए कल ही पेपर हो जाएगा, कल ही पेपर हो जाएगा तो आप लोग तैयार कितना है, क्या तैयारी आप लोग की पूरी है कि नहीं है, और ये चीज चेक की जाएगी स्टैटिक पोर्शन से, ठीक है? तो स्टैटिक की पढ़ाई आज हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए, तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। और आप लोगों का टाइमर बच्चों अब शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कांडला, मैंगलोर, चेन्नई जिसको मद्रास नाम से भी जानते हैं, और हल्दिया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या है, इसका राइट आंसर है चेन्नई या मद्रास, ठीक है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया बच्चों जो है वो है चेन्नई या फिर मद्रास, ठीक है? चलिए इसको क्या करिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है? इससे आप लोगों को भी थोड़ी सहूलियत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे। सेकंड क्वेश्चन है, लेब्रॉन जेम्स किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स पर्सन है ये लेब्रॉन जेम्स, किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर टेनिस, ठीक है? चलिए देखते हैं। लेब्रॉन जेम्स जिस खेल से संबंधित है बच्चों, उस खेल का नाम है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित है बच्चों, ठीक है? लेब्रॉन जेम्स, ओके? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आज के। वाओ, बड़ा क्वेश्चन। समय से पहले संपन्न चुनाव को कहा जाता है, एन इलेक्शन अर्लियर देन एक्सपेक्टेड इज नोन एज, ठीक है? स्नैप पोल, बाई इलेक्शन, ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल। बहुत बार नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा इसका, बहुत बार नाम सुन रखा है आप लोगों ने कि क्या होता है ये। चलिए ठीक है, इसका नाम है स्नैप पोल। स्नैप पोल, ठीक है? समय से पहले जो चुनाव संपन्न हो जाता है उसको हम लोग स्नैप पोल कहते हैं, ठीक है बच्चों? 13वीं शताब्दी में,
13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? Who built the famous दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान? ऑप्शन आर गिवन महेंद्र पाल, महिपाल, राजा पाल और तेज पाल। ठीक है, सारे पाल वंश, मतलब यहां से ये निकल के आता है कि पाल वंश के किसी भी शासक ने बनवाया था इसको, माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है राजस्थान में। ठीक है, चलिए आपका टाइमर शुरू होता है बच्चों अब। एंड ही इज नन अदर देन, तेजपाल। तेजपाल ने बनवाया था बच्चों, ठीक है, तेजपाल ने बनवाया था दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है। ओके, moving on to our fifth question for the day। मशहूर पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है? हाउ इज द ऑथर? नो, हु इज द ऑथर? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? ठीक है, कपिल देव जी, मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर या पंकज आडवाणी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये सारे के सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन जिनके नाम यहाँ दिए हुए, सबसे पहली चीज ये भारत के हैं, दूसरी चीज ये किन किन स्पोर्ट्स से हैं, तो आप लोगों को ये पता है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपका टाइमर शुरू हो गया है अब। एंड ही इज कपिल देव, कपिल देव। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बच्चों ये बताना है कि कपिल देव को किस और नाम से जानते हैं, कपिल देव को किस और नाम से जानते हैं बच्चों, जो उनका निक नेम कह सकता हूं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर द डे है, एशिया के किस हिस्से में कोरियाई प्रायद्वीप स्थित है? ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द एशिया इज द कोरियन पेनिनसुला लोकेटेड, दैट इज उत्तरी एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। ओके, बी ईस्ट एशिया। ओके, पापा की परी बोल रही हैं कि बी है, बहुत बढ़िया, पापा की परी एकदम सही बता रही हैं, ईस्ट एशिया इज द राइट आंसर। ठीक है, ईस्ट एशिया में कोरियन पेनिनसुला बिल्कुल स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मोहनदास बराहे, विकास कुमार चौहान। आज का सातवां सवाल बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन आवरण है? विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी नहीं है आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश। एक ऑप्शन अगर इसमें होता जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, वो नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट है, अगर वो होता तो थोड़ी ज्यादा बच्चों के बीच में एक कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि एरिया वाइज नहीं है, वो परसेंटेज वाइज चीजें चली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं, आपका टाइमर शुरू होता है बच्चों अब। बहुत बढ़िया, ए बताया जा रहा है, द आंसर इज क्वाइट राइट, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है पूरे भारत में, और एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य भी हुआ करता था एरिया के हिसाब से, लेकिन 2000 में जब बंटवारे हुए, क्योंकि नवंबर के माह में ही सारे बंटवारे हुए थे जो कि नए नए राज्य बने थे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे झारखंड हो गया, उत्तराखंड हुआ, तीन राज्य जब नए नए बने तो जो बड़े बड़े प्रदेश थे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, काफी बड़ा था उस समय। ठीक है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज तो आज भी हम अपना नाम रोशन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो फॉरेस्ट आप सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो पोर्शन चला गया है वो सबसे ज्यादा वहां पर नक्सलाइट्स वहां रहते हैं, और क्योंकि रहते क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा वहां पर बच्चों होता है। ठीक है, अभी राजस्थान है, विजेंद्र अभी राजस्थान है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं, एट क्वेश्चन फॉर द डे, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला एकल गुणसूत्र खमीर बनाया है? विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल क्रोमोसोम ईस्ट? ओके, द ऑप्शंस आर यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन एंड चाइना। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज चाइना।
चाइना इसका सही उत्तर है बच्चों, ठीक है, चाइना इसका सही उत्तर है। आप लोग ये काम करिए, एक जब भी करंट अफेयर्स का सेशन होता है शाम को, जब भी जिस भी दिन आप लोगों को एक लाइव टैग दिख जाता है कि आज क्लास होने वाली है, आप लोग एक कॉपी ना खरीदिए, ज्यादा खर्चा ना करिए, लेकिन एक प्लेन पेपर पूरा ले लिया कीजिए, ठीक है, एक प्लेन पेपर ले लीजिए और उसमें एक पेन ले लीजिए 3 रुपए की, ज्यादा खर्चे की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, और बस स्टार बना करके, बिल्कुल स्टार बनाइए, कोई क्वेश्चन आ रहा है ठीक है, स्टार बनाइए उस क्वेश्चन में जो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा दिए, जैसे अब आज ही है दुनिया का पहला एकल गुणसूत्र खमीर बनाया गया, किस देश द्वारा, चाइना, आप सीधे नोट करिए, खत्म काम। और क्या होता है जब शीट्स में आप बनाते रहते हैं बच्चों, जब आप शीट्स में बनाते हैं तो आप लोग जब एक क्लास चल रही है और उस क्लास को पूरा पूरा जब आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठती चली जाती हैं। सर आप डेली क्लास लेते हैं, क्लास लेते हैं, क्लास बेटा लेते हैं। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन फॉर द डे, एक भारतीय राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रधानमंत्री द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट द्वारा या गवर्नर ऑफ द स्टेट द्वारा। चलिए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गवर्नर, एक गवर्नर के द्वारा, ठीक है, एक राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस की, भारतीय जो प्रदेश हैं उनमें उनकी नियुक्ति बच्चों की जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, राम रमा निवास या राम निवास गौतम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आप पढ़ रहे हैं। वीके स्टेटस एंड रिंगटोन ऑफिशियल, अच्छा सर आप कहाँ पोस्टेड हैं, बेटा हम यही पोस्टेड हैं, देख रहे हैं अभी आप, अभी क्या करें, आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या किया जा सकता है। चलिए दसवां क्वेश्चन आज का बच्चों, अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होती है अल्ट्रा, एक होता है इंफ्रा, ना आप अल्ट्रा सुन पाते हैं ना आप इंफ्रा सुन पाते हैं, ठीक है। अल्ट्रा हो जाती है कितनी, अभी देखना आंसर आएंगे, बिल्कुल विजेंद्र भास्कर, बहुत बढ़िया बेटा, सेकंड मून या सन में एक और बना रहा है अभी, हाँ बेटा ये सही है, टाइमर शुरू हो गया है और हमें, मुझे मेरे हिसाब से अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी सभी बच्चों को यहाँ पता होगी, लेकिन फिर भी सबके हिसाब से चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। देश एवं समाज में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, ए ए ए एंड द आंसर इज ए, ठीक है, ठीक है, ए आंसर है 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड की स्पीड जो फ्रीक्वेंसी होती है उनसे ऊपर होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आज का देखते हैं, धीरे धीरे हम आज के 11वें क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं, 10 क्वेश्चन हमारे आज के समाप्त हो चुके हैं, हमारा महाभ्यास बैच चल रहा है, काफी क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, और इसके बाद जो है लास्ट मोमेंट पे इसको रिवीजन करने के लिए आपके काम आएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा जिला 4 विभिन्न राज्यों को स्पर्श करता है, जिला, क्या प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए सरगुजा है, सिंगरौली है, सासाराम या सोनभद्र, बिल्कुल सही बताया है बच्चों ने यहां पर कमेंट सेक्शन में, और जो उत्तर है वो है सोनभद्र, बिल्कुल सही, ठीक है, सोनभद्र बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ठीक है। चलिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का तार बना होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर नन ऑफ दी अबव, राकेश शाह, ना 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 ना, चलिए ये बना होता है नाइक्रोम से, नाइक्रोम एक एलॉय होता है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर के नाइक्रोम बनाया जाता है, नाइक्रोम एक एलॉय होता है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि एलॉय जो होता है, एलॉय बच्चों, एलॉय का फंक्शन क्या होता है, एलॉय क्यों बनाया जाता है, ठीक है, क्या मेटल से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा होता है जो कि एलॉय बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इन्हीं दो एलिमेंट्स को जब मिक्स कर देते हैं एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट रेशियो में, एक डेफिनेट रेशियो में, तो वहां पर एक एलॉय बनता है, तो क्यों बनाते हैं एलॉय, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए,
चलिए कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। 13वां क्वेश्चन आज का है कि स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, ये संस्थापक कौन थे, हु इज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति। प्राणनाथ मित्र, पुलिन बिहारी दास, सचिन नाथ सान्याल, अश्विनी कुमार दत्त। ओके, आपका टाइमर अभी शुरू हो गया है बच्चों। और इसका सही उत्तर है बच्चों अश्विनी कुमार दत्ता। अश्विनी कुमार दत्ता जो है इसके सही उत्तर है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे। 1602 में, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर 1602 वाज एस्टैब्लिश्ड इन। 1602 में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहां पर स्थापित किया गया था। एंड द ऑप्शंस आर नीदरलैंड, स्वीडन, आयरलैंड एंड डेनमार्क। लेट मी चेक इट आउट, कौन कौन इसका सही उत्तर जानता है। तो पापा अगेन गोइंग फॉर डी, विकास गोइंग फॉर बी, ओके, मोहन गोइंग फॉर डी, ओके, एंड द राइट आंसर इज, कोई सही नहीं बताया इसमें, इट इज ए, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ओके, तो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो 1602 में स्थापित किया गया था वो नीदरलैंड एम्स्टर्डम में था बच्चों, ठीक है। चलिए अभिषेक अभी लेट आकर के ए बता रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए 15वां सवाल आज का है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। डायोमीटर, क्रायोमीटर, क्रोमेटोप्टोमीटर और साइमोमीटर। चलिए देखिए क्या होता है इसका आंसर, देखता हूं कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर इज द राइट आंसर। ओके, आग को नापने की इकाई क्या होती है, जो इंस्ट्रूमेंट आग को नापता है, फायर, उसका नाम क्या होगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, इसको लिख लीजिए कहीं पे, मेजरिंग लो टेम्परेचर, क्रायोमीटर। ओके, चलिए 16वां सवाल आज का है, पिंगली वेंकैया का 141वां जन्मदिन 2 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है, वो कौन थे, पिंगली वेंकैया, ठीक है। द 141st बर्थडे ऑफ पिंगली वेंकैया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd August, हु वॉज ही। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, पहले व्यक्तिगत वंदे मातरम गाने वाले पहले व्यक्ति थे वो, या फिर डिजाइनर थे इंडियन नेशनल फ्लैग के, या फिर पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने रेस किया था इंटरनेशनल फ्लैग लाल किले के ऊपर। मेरे हिसाब से सबको पता है ये, और आशीष शुक्ला ने बिल्कुल उत्तर दे दिया, अभिषेक पीछे पीछे चल रहे हैं, विकास चौहान ने इसकी शुरुआत की है, पापा की परी गलत होती चली जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, टाइमर शुरू कर दिया है मैंने, अभी भी जिनको देने का मन है इस क्वेश्चन का जवाब वो दे सकते हैं बच्चों। मेरे हिसाब से सबको इसका उत्तर पता है बच्चों, ठीक है। He was none other than the designer of the Indian national flag, ठीक है, डिजाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज पिंगली वेंकैया। ओके, चलिए 17वें सवाल पे आगे बढ़ते हैं आज के। जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया है, ASP.NET, जावा, PHP या फिर C++, ठीक है। चलिए देखते हैं जेम्स ए गॉसलिंग क्या करते हैं इसमें। जावा को विकसित किया है, जावा को डेवलप किया है जेम्स ए गॉसलिंग ने, ठीक बच्चों, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत गलत कर रहे हो बच्चों। चलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड रिमेन सेम, एक सुविधि प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है, क्या रहेगा वो तो सबको ही पता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी जो होगी वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आज के। एक बॉडी अगर स्लाइड करती है किसी एक सरफेस के ऊपर तो फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल डैश कहलाता है, कौन सा बल कहलाएगा बच्चों, वो जो उनके बीच गति का प्रतिरोध करेगा, गति का प्रतिरोध कौन सा बल करता है,
प्रतिरोधक बल इसमें से बच्चों कौन सा है? केवल एक है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स है फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो जब कोई सतह पे फिसलेगा तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करेगा, ठीक है। चलिए 20वां सवाल आज का बच्चों हम देखेंगे। हमारा 20वां सवाल है कि पेंटेन हैज डैश स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पेंटेन के कितने जो हैं संरचनात्मक समवयवी होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं बच्चों? टाइमर आपका चल चुका है, 1, 2, 3 या फिर 4, कितने होंगे बच्चों इसमें? और ये होंगे 3, ठीक है। कितने होंगे बच्चों? ये होंगे 3, एन पेंटेन। आइसो पेंटेन और नियो, 3, तीन होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21वां। भारत ने डैश से स्वदेशी विकसित सतह से सतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार फ्रॉम किस प्रदेश से किया है बच्चों इसका परीक्षण? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। उड़ीसा से किया है बच्चों, उड़ीसा से किया है, ठीक है। प्रहार का जो है परीक्षण है सफलतापूर्वक, वो कहां से किया है? वो किया है उड़ीसा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? सेल्फ सफिशियंसी वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्लान? फोर्थ प्लान, सेवन, थर्ड या फिर सिक्स्थ प्लान? कौन सा प्लान था बच्चों? और वो प्लान था सेवेंथ प्लान, सेल्फ सफिशियंसी, आत्मनिर्भर भारत, जो इस समय भारत का टैगलाइन चल रहा है, ठीक है। इस समय भारत का टैगलाइन भी यही चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है। तो ये कौन से प्लान के तहत आया था? ये था सेवेंथ प्लान के तहत बच्चों। चलिए हम अपना 23वां सवाल आज देखेंगे। भारत के संविधान को अपनाया गया था किस दिन? अपनाया गया था बच्चों भारत के संविधान को, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो भारत का जो संविधान लिखा गया है उसको लिखने में कितने समय लगा था, कितना समय लगा था बच्चों, ठीक है, कितना समय लगा था। चलिए शैलेश नायक समिति संबंधित है, द शैलेश नायक कमिटी इज रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज, क्लेनलीनेस कैंपेन, फाइनेंशियल इंक्लूजन या कोस्टल रेगुलेशन जोन? ये लिखने वाले क्वेश्चन है, इसको पिन डाउन आप जरूर करिएगा। सारी चीजें हवा में बिल्कुल मत लेके चलिए, ठीक है। इफ यू आर सीरियस फॉर समथिंग टू अटेन इट, गो फॉर इट। और वो था कोस्टल रेगुलेशन जोन से, तटीय नियमन जोन से, ठीक है बच्चों। तो कौन सी समिति है? शैलेश नायक समिति। आप स्टार बना करके ऐसे लिखिए, शैलेश नायक समिति कोस्टल रेगुलेशन जोन, जिससे जरूरत है, ठीक है। अभी जब आप बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो सारे उसमें आते हैं, एल एम सिंघवी कमेटी है, जी वी के राव समिति है, केशवानंद भारती है आपकी। तो जब आप पढ़ते हो कि किस समिति ने किसको जो है बेसिक फीचर माना था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अमेंड होने के लिए, नहीं होने के लिए, तो जब आप एक नोट्स बनाओगे बच्चों, तो वो आप ही के लिए कारगर साबित होता है, क्योंकि आप परीक्षार्थी हैं, आप एक एग्जाम देंगे और आपको पता है कि चूंकि भारत में सरकारी नौकरी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो वहां पर रेशियो जो सिलेक्शन का होता है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो फिल्टर होकर के आपको आना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत से ज्यादा एक होता था समय, था हार्ड वर्क का, हार्ड वर्क करता था आदमी, ठीक है, लेकिन अब समय बदल गया, स्मार्ट वर्क आपको करना है, ठीक है, ठीक है, स्मार्ट वर्क आपको करना है। तो आप स्मार्ट कैसे कर पाएंगे? जिससे कि आप एफिशिएंट रहें, आप कम समय में ज्यादा चीजों को कर पाएं, ठीक है। तो आप इसीलिए अपनी नोट मेकिंग अपने हिसाब से तैयार कीजिए कि ताकि आप उसका लास्ट मिनट पे रिवीजन कर पाएं, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा बच्चों।
ठीक है, मैं नहीं कहता कि जो मैं करा रहा हूं इसमें से ही आ जाएगा, पर हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम लोग कवर करके रखेंगे तो हमारा जो जोन है, ठीक है, जो हमारा मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप जो है केवल एक इतना जानते हैं, एक सीधी रेखा के बराबर, तो क्या मतलब है? लेकिन अगर आपका जोन ऐसे बढ़ता जाएगा, दिमाग तो उतना ही है ना, दिमाग उतना ही है, लेकिन अब आपने क्या किया, पढ़ पढ़ के अपना जोन जो है बढ़ाया, जब आपका स्पेक्ट्रम बढ़ता चला गया तो आपकी स्पेक्ट्रम में ज्यादा चीजें कवर्ड हैं, तो जब ज्यादा चीजें कवर्ड है तो पूछ भी तो वो अननोन से रहा है। अब कहीं से मान लो कि क्वेश्चन यहां से आ रहा था लेकिन आपका स्पेक्ट्रम यहाँ पे फॉल कर रहा था, तो उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया। मान लीजिए कि आपका स्पेक्ट्रम इतना ही होता, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होता एक इनडेफिनिट पॉइंट से, तो आपके स्पेक्ट्रम में था ही नहीं, तो आप क्या करते, कर ही ना पाते, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क करिए, नोट्स बनाइए ताकि लास्ट मोमेंट पे आप उसको जो है रिवाइज कर पाए आप कम से कम समय में, ठीक है बच्चों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को दुनिया की सबसे पतली सामग्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द थिनेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, पोलरीन, सिलिकॉन, प्लेटिनम या फिर ग्राफीन, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब यहां नोट करने का आपको तरीका ये होना चाहिए कि थिनेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, और जो उत्तर होगा ग्राफीन, तो हो गया। अब स्टैटिक क्वेश्चन कोई आ गया कि मान लीजिए कि थिनेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, मान लीजिए इसमें से हमारे जो चार ऑप्शन हमने यहां पुट किए हैं उनमें एक ऑप्शन तो जो राइट रहेगा वो तो वहां भी रहेगा, मान लीजिए कि तीन ऑप्शन जो ऊपर के हैं उसको हटा दिया गया, कोई बात नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो सही है वो तो रखेगा ही आदमी, तो वो रहेगा, वो आपने वो चीज पढ़ी हुई है, तो आप उसको तुरंत कैप्चर कर लेंगे, तुरंत कैच कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेटा नोट्स बनाते रहो, करंट अफेयर्स हुआ, जीएस हुआ, इन लोगों के लिए देखिए जीएस में क्या है, फिर भी एक बार आप फ्लो चार्ट बना के पढ़ लिए, मान लीजिए मुगल सभ्यता आपने पढ़नी शुरू करी तो बाबर से शुरू कर दिया, उनका बेटा आ गया, हुमायूं आ गया, ठीक है, गद्दी पे जो बैठा उसकी बात करते हैं, जो नहीं बैठा कामरान हिंदाल अस्करी उनकी हम बातें ही नहीं करते हैं, ठीक है, उनको तो हटा ही देते हैं, फिर अकबर आ गए, फिर जहांगीर आ गए, शाहजहां आ गए, ठीक है, औरंगजेब आ गए, लेकिन एक फ्लो चार्ट जब बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ यहाँ पे ये शासक का नाम है, फिर उनने ये युद्ध लड़े, उनके बेनिफिट्स क्या थे, प्रॉस क्या थे, उनके कॉन्स क्या थे, वो हारे क्यों, तो ये एक फ्लो चार्ट तरीका है। अब पता चला आपने पैराग्राफ में लिख डाला है बाबर की कहानी पूरी, बाबर वाज दिस, बाबर वाज दैट, बाबर हैड डन दिस, बाबर फलाना, बाबर धमाका, बाबर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, बाबर इतना पढ़ेंगे ही नहीं अपने बारे में, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट बना करके आप उसको रखिए, यही चीजें यहां बताई जा रही है आपको करंट अफेयर्स में, कि इसका मैथ का ठीक है आपने फॉर्मूला लगाया, आपने कर लिया, बट करंट अफेयर्स का कहां से लगा लोगे भाई, कोई चीज घटी तो फलाना आदमी था, वो फलाने आदमी के लिए कोई फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं कि दिस दैट बराबर वो आ जाएगा वहां पे आंसर। तो बेटा जितना बोरिंग है, मुझे पता है ये बोरिंग होता है, लेकिन रिवीजन एक बेस्ट तरीका होता है ना, और रिवीजन कैसे आप कर पाओगे जब चीजें आपके सामने बिल्कुल पड़ेंगी, और पड़ेंगी कैसे, आप उसको अपने सामने डालोगे, अपने सामने रखोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहो, ठीक है, स्मार्ट नोट्स बनाओ ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके रिवीजन के काम आता रहे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, ठीक है। चलिए आर्टिकल 17 है क्या बच्चों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को दिया गया है तो बेसिकली उन्हीं से रिलेटेड होगा, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में परिभाषित है, ठीक बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कर्तव्य, ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी कहां से ली गई है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ड्यूटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ली गई है वो कहां से ली गई है? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं जब वो फ्रेम कर रहे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी बच्चों। आप हमें ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि फंडामेंटल ड्यूटी को किस संविधान संशोधन के अधीन भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, सो आई गिव यू टू क्वेश्चंस राइट नाउ। पहला क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन के ऊपर से देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन निकल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी किस काफी ज्यादा पतला हो गया ये फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली गई है, कहां से ली गई है। और दूसरी चीज, फंडामेंटल ड्यूटी केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन निकल के आते हैं बच्चों। ठीक है आशीष शुक्ला, ठीक है बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है हम आगे बढ़ते हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से कौन सी नहीं है बच्चों? ठीक है, तो जो इसमें नहीं है वो है चुनाव में मतदान करना, तो वोट इन पब्लिक इलेक्शन जो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है। ठीक है, पहले 8 ड्यूटी थी केवल, बाद में भी 11 ड्यूटी हो गई है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि बहुत डीप में जाइए, पूरी लक्ष्मीकांत आप पढ़ डालिए। ठीक है, मानते हैं क्योंकि अब डिपेंड करता है कि बच्चा किस लेवल की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी पे है, सी पे है, बी पे है कि ए पे है। ठीक है, सारे लोग यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ डालेंगे। ठीक है, और पढ़ भी डाले तो याद रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए चीजें। ठीक है, और रिवाइज करते रहिए। ओके, आमिर अली मत पढ़ाओ सर, 3 लोग हैं। कोई बात नहीं बेटा, 3 लोग हैं ना, इनके एक लोग होंगे तब भी हम पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इंक्रीजेस, कब? समर्स में, विंटर्स में, स्प्रिंग में, या इट नेवर चेंजेस? ठीक है, यह कभी नहीं बदलता, बताइए कब। लेयर्स आप लोग को पता है कि नहीं पता है, बताइए कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं बच्चों, कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, 5 है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है 5 है। बार बार एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज किसमें उड़ता है? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा हमें अब इस पे, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर की जो लेंथ होती है, जो धरती से दूरी होती है पृथ्वी से, वो पोल्स पे कितनी हो जाती है बच्चों? अगेन ठीक है, पोल्स पे कितनी हो जाती है, इक्वेटर पे कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। इसका उत्तर है समर्स, तो थिकनेस ट्रोपोस्फेयर की बढ़ जाती है समर्स में बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर नोन एज द शीप आइलैंड्स, निम्नलिखित में किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? 4 यहां पर द्वीप आपको दिए गए हैं, कनारी का, मदीरा का, फरो का और वेलिंगटन का। ठीक है, हवाएं भी बहती हैं। ठीक है, तो ये फरो है। ठीक है बच्चों, फरो द्वीप, इसको शीप आइलैंड भी कहते हैं, लिख लीजिए इसको स्टार बनाकर, जिस तरह से मैंने अभी कहा आपको नोट मेकिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 30वां सवाल। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहां पर खेला जाएगा? वेयर विल द 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड? आपको पता है, देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं इसका उत्तर। ये
और केवल भारत में खेला जाएगा। तो क्या उम्मीद करें 2011 की तरह फिर यहां से आ जाएगा 23 में भारत में वर्ल्ड कप? चलिए कोई बात नहीं। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वर्ड प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट यूज बाई लैमार्क, हेनरी, हक्सले या फिर पोरकाइन? चारों ही बायोलॉजिस्ट हैं। और जिसने किया था फर्स्ट टाइम वो था पोरकाइन, ठीक है। और फिर अब इसको बनाने का तरीका क्या है? स्टार लिखा, प्रोटोप्लाज्म was first time coined by, ठीक है, और इधर लिख दिया पोरकाइन, बस ये हो गया एक तरीका नोट्स बनाने का। और आप लोग इसको फिर बाद में, ठीक है, अब जैसे आप पढ़ते रहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो फिर प्रोटोप्लाज्म जैसे मान लीजिए अभी लाइजोसोम्स आ जाए, ठीक है, लाइजोसोम्स आ गया, तो लाइजोसोम्स हो गया, लाइजोसोम्स को फर्स्ट टाइम क्वाइन किसने किया था, लाइजोसोम्स का नाम क्या होता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, तो ये सब चीजें देखिए आप एक तरीके से पढ़िए। सिलेक्शन के लिए क्या होता है, एक तरीका बहुत जरूरी होता है, अगर तरीका नहीं है तो फिर सिलेक्शन में देखिए नहीं होगा ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन देर हो सकती है। और चूंकि आपको पता है कि भारत में भर्तियां वैसे ही लंबित रहती हैं, और अगर आप अपने अवसर को भी भुना नहीं पाएंगे सही समय पे, तो फिर भी तब भी और दिक्कत है। फिर क्या होगा कि जैसे एक भर्ती आई, 4 साल लग गया, फिर उसके बाद आप पता नहीं एलिजिबल रहेंगे कि नहीं अगली भर्ती के लिए, तो ये सारी चीजें, सारे मानकों को आपको देखना होगा, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जो अवसर मिल रहा है आप उसको भुना लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए, और वो आप कर पाएंगे स्मार्ट वर्क के द्वारा, ठीक है। चलिए, Who was appointed as the Vice President of the Constituent Assembly of India? भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा मुझे, मेरे हिसाब से और वो थे H.C. मुखर्जी, ठीक है, H.C. मुखर्जी साहब को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Who propounded dynamic theory of profit? लाभ के प्रावैगिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, क्लार्क है, सुम पीटर है, अल्फ्रेड मार्शल है, इनमें से कोई नहीं, ये बड़ा खतरनाक होता है, इनमें से कोई नहीं, और ये है जे बी क्लार्क साहब है जिन्होंने क्या किया था, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को प्रोपाउंड किया था, ठीक है बच्चों। चलिए, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? ये तो पता ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, लाइकोपीन, कैप्साइसिन, कैरोटीन या एंथोसाइनिन? गाजर में क्या होता है, बाल किसके कारण बढ़ते हैं, नाखूनों में क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आते हैं, और इसका है कैप्साइसिन, ठीक है, कैप्साइसिन के कारण जो है मिर्च में तीखापन होता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जो है नोट करते रहिए, ठीक है, और अपने हिसाब से भी जैसे आपको जब भी कभी मौका मिले तो नोट्स ऐसे ही बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी आय के समान दिशा में बढ़ती है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उस वस्तु की कीमत से प्रतिलोम रूप से संबंधित होनी चाहिए, जिसे डैश कहा जाता है, मांग का नियम, आपूर्ति का नियम, प्रतिस्थापन का नियम या इष्टतम पसंद का नियम? देख लो, कंज्यूमर्स डिमांड फॉर गुड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। मान लो जैसे कोई एक वस्तु है तो उसकी डिमांड उसी वस्तु के लिए उसी दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में उसकी इनकम बढ़ रही है, तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो इन्वर्सली किसके होनी चाहिए थी, डिमांड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मांग का नियम होगा बच्चों, ठीक है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है, ये तो बेलारूस, ह्यूगो डी वेरेस या रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है।
एवी ल्यूवेन हॉक के द्वारा बैक्टीरिया खोजा गया था, एवी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ठीक है, अब ये बताइए कि जो कोशिका, कोशिका शब्द का जो है पहली बार जो वर्ड क्वाइन किया गया था वो किस साल किया गया था और किसने किया था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बच्चों बताइए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल्स, निम्न में से कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स, एपिफाइटिक प्लांट्स या फिर एक्वेटिक प्लांट्स। पौराणिक, लेग्यूमिनस, वाओ व्हाट अ टर्म। और इसका उत्तर है लेग्यूमिनस, इसमें रूट नोड्यूल्स होती हैं। अब हमें बताइए लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके एक दो एग्जांपल आप हमें बच्चों बताइए। आप नोट करते रहिए बच्चों, नोट करेंगे तभी सही रहेगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग नोट कर रहे हैं किसी चीज को कि नहीं नोट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां आज 37th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और रॉबर्ट हुक, बहुत बढ़िया विजेंद्र, रॉबर्ट हुक। लेकिन बेटा आप स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर देते हैं? आप ईयर भी बताइए कि किस साल जो है ये जो सेल को खोजा था। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, वो कुछ इस तरह है कि विटामिन बी नाइन को हम और किस नाम से जानते हैं, विटामिन बी नाइन को हम बच्चों और किस नाम से जानते हैं, फोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या बायोटिन। नाम तो पता ही होना चाहिए बच्चों, और मेरे हिसाब से पता भी होगा आप लोगों को कि किस नाम से जानते हैं। चलिए, सही उत्तर है बच्चों फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड विटामिन बी नाइन। ठीक है, आप लोग जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो विटामिन्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, डिजीजेस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, डिजीजेस पढ़ लीजिए, और जो फूड्स के जो सब पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अब फैट्स में भी होते हैं कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन हो गया, फैट्स हो गया, रफेज हो गया, वाटर हो गया, रफेज हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया। ठीक है, तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं, पूरा फूड्स आप पढ़िए। फिर फूड्स भी होते, फिर कार्बोहाइड्रेट भी कई तरीके होते हैं, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन फॉर द डे, नेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, सी के नायडू, रंगनाथ मिश्रा, अमर्त सेन या सी वी रमन। तो इसका उत्तर है अमर्त सेन। अमर्त सेन साहब को मिला था 1998 में नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत की तरफ से पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ठीक है, भारत की तरफ से सेल वाली, सेल वाली क्या होती है सर, ईयर बताना। सेल वाली 1600 है, 1612 बेटा। ठीक है, 1612 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ बजट जनरली गेट प्रेजेंटेड बाय द फिनेंस मिनिस्टर इन द इलेक्शन। चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा आमतौर पर किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है चुनावी वर्ष में। ठीक है, फुल बजट, इंटरिम बजट, बैलेंस्ड बजट, पूरा बजट, अंतरिम बजट, संतुलित बजट या इनमें से कोई नहीं। मेरे हिसाब से अब जिस हिसाब से बच्चों की पढ़ाई चल रही है और चुनाव और पार्टी इन सब चीजों के प्रति जो रुझान बच्चों का बढ़ा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन टफ होना चाहिए कि कौन सा बजट जो है पेश किया जाएगा जब चुनावी वर्ष होगा बच्चों। अन्य वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं, जब एक पार्टी चुनी जाती है और किसी अन्योन्य कारण से अगर वो गिरे ना, सरकार ना गिरे, तो अलग बात होती है। लेकिन अगर हर साल होता है तो फुल बजट पेश किया जाता है। लेकिन बच्चों ये चीज आप ध्यान रखिए कि जिस साल चुनाव होने वाला होता है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टी, विल द सेम पार्टी कंटिन्यू और अ न्यू पार्टी विल गेट फॉर्म, नए लोग आएंगे, नया होगा सब कुछ, उनके क्या कंडीशंस है, वो किस सेक्टर में ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, किस सेक्टर में नहीं करना चाहते हैं, उनका क्या एजेंडा है, तो सब कुछ देखने के
के पर्सपेक्टिव से क्या किया जाता है कि बच्चों उस साल जो बजट पेश किया जाता है वो होता है इंटरिम बजट, अंतरिम बजट जो होता है बच्चों वो पास किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। जब अपने पार्टी फुल फ्लो में रहती है, चुनावी वर्ष नहीं होता है तो फुल बजट पेश किया जाता है, ठीक है, और जब एक चुनावी वर्ष होता है तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41st क्वेश्चन फॉर द डे, 41st क्वेश्चन हमारा आज का है कि हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके सामने है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त और हर्षवर्धन। कुमार गुप्त बहुत ही बढ़िया आदमी थे, ये बहुत बढ़िया आदमी थे। चंद्रगुप्त तो दुनिया जानती है, उनको कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही उत्तर है समुद्रगुप्त। बच्चों समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर है, ये समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा 42वां क्वेश्चन आज का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम आंगसी ग्लेशियर इन हिमालयाज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है? गंगा, यमुना, नर्मदा या ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, हिमालय में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। चलिए इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र जो है आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अब हमें बताइए गंगा और यमुना जो है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? कमेंट सेक्शन में बच्चों हमें बताइए। ऋचा तिवारी पूछ रही हैं, सर यूपीएसआई का एग्जाम कब तक हो सकता है, प्लीज रिप्लाई मी। बेटा अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, ठीक है, तो अभी कुछ कह पाना इसके बारे में मुश्किल है, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी तो आएगी ही। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए बच्चे। 43rd क्वेश्चन आज का है हमारा कि आर्टिकल 343, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? मेरे हिसाब से सबको पता होगा। यहाँ पर अनुज राजपूत पैट्रियट कह रहे हैं ब्रह्मपुत्रा। बेटा बहुत सही, आपने भी सही उत्तर बताया है। ठीक है, तो ये 343 आर्टिकल जो है किससे संबंधित है बच्चों? नंबर ऑफ सीट से, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या से, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी या फिर कश्मीर को विशेष दर्जा। मजा नहीं आया। सबको पता होगा इसका उत्तर। सर किस मंथ तक हो सकती है? अगले साल बच्चा, जून तक उम्मीद कर सकते हैं। देखिए क्योंकि एक भर्ती अभी जो चल रही है 16 वाली, वो लंबित है और अभी बालक अभी उसके जो है पोस्टिंग नहीं पाए हैं, तो कुछ कह पाना मुश्किल है कि एक भर्ती अभी लंबित है, दूसरी भर्ती प्रक्रिया में अभी डाल दी जाए। ठीक है, होता चला आया है, पहले हुआ है, लेकिन अभी यूपीएसआई के बारे में कह पाना कुछ मुश्किल है। ठीक है, चलिए विपुल अग्निहोत्री, सी सी सी, बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये अच्छा लगा देख के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? हड़प्पा संस्कृति के मुहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? गाय, हाथी, गैंडा या बाघ। ठीक है, शाहनवाज खान, सर मूल विधि की क्लास क्यों नहीं होती है? बेटा होती है, होती है। ठीक है, अनुज राजपूत कह रहे हैं कि सी, और बिल्कुल गलत जवाब है। बिल्कुल, कैसे आपने गेंडे को कह दिया प्रतिनिधित्व नहीं करता था, वो थी गाय। चलिए अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? स्वतंत्रता, सेवा की स्थिति, वेतन या न्यायिक समीक्षा। क्या प्यारी बात कह दी, बहुत बढ़िया। इसमें दो ही चीज है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बच्चों, ऑप्शंस को अगर देखा जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन की अगर आप बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर केवल एक और एक चीज है, वो है न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू की वजह से ही ये जो इंडिपेंडेंसी मिली हुई है जुडिशियरी को, वही बनाती है उसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आप हमें ऑप्शन में ये बताइए, अपने कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर जुडिशरी है तो गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
हाइड्रोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई हाइड्रोमीटर। कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों कि हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है, आप हमें हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है। चलिए विलियम निकोलसन इसका सही जवाब है। विलियम निकोलसन हाइड्रोमीटर का जो आविष्कार जिसने किया था उनका नाम है विलियम निकोलसन। ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानाथ स्वामी मंदिर जो एक हिंदू मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, सभी को पता होगा, शिव जैन कृष्ण या फिर गणेश जी को। ये शिव जी को है। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है बच्चों ये शिव जी को समर्पित है। ठीक है बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन हमारे साथ देखते हैं। 48वां सवाल है फिफी अवार्ड जो है ये किसके लिए दिया जाता है, फिल्म के लिए, घरेलू उपकरण के लिए, इत्र के लिए या फिर ऑटोमोबाइल के लिए। आप लोग हमें बताइए ये किसके लिए दिया जाता है बच्चों। और ये दिया जाता है, आपका टाइमर चल चुका है बच्चों, ए ओके। ये दिया जाता है बच्चों इत्र के लिए। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है इत्र नगरी के नाम से मशहूर है, इत्र नगरी के नाम से मशहूर जो जिला है उत्तर प्रदेश में उसका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में बच्चों हमें बताइए इसको। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां सवाल आज का हमारा ये है कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, पुणे, दिल्ली, मुंबई या नागपुर। और इसका सही उत्तर है, टाइमर चल चुका है बच्चों, सही उत्तर है इसका पुणे में, पुणे में NEERI स्थित है। ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं हम अपने 50वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, सोडियम पोटेशियम आयरन कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्या है बच्चों कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो कि रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है। ठीक बच्चों तो 50 सवाल आज हमारे अभी पूरे हो चुके हैं। ठीक है काफी अच्छी चल रही है क्लास, आप लोग आनंद भी ले रहे हैं, मजा भी आ रहा है, प्लीज कनेक्ट टू द इक्विपमेंट भी हो रहा है। ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं बच्चों की नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो तो जरूरी है ही है, लेकिन आप लोग क्या पढ़ रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है। ओके विपुल कह रहे हैं हाँ, क्या केवल विपुल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। विजेंद्र कह रहे हैं नो सर, अच्छा नहीं बना रहे हैं, ये देखिए खुराफाती जो बच्चे होते हैं कुछ क्लास के उनमें से विजेंद्र हैं। विपुल पूछ रहे हैं कि आप भी दरोगा हैं बेटा क्या ही कहा जाए। शाहनवाज कह रहे हैं सर फर्स्ट टाइम किसी सब इंस्पेक्टर से पढ़ रहे हैं। ओके ओके बेटा ठीक है, मैं नोट्स बना रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे शाहनवाज, ठीक है चलिए तो पढ़ते रहिए बच्चों, नोट्स बनाते रहिए, करंट अफेयर्स को जो है आप नोट्स से ही कवर कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि किताबें बेटा बहुत बोरिंग होती हैं मुझे पता है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो वो आप लोगों के लिए कारगर साबित होंगे। एक जैसे कहते नहीं है कि जब आप किसी युद्ध में जाइए तो बिना हथियारों के जंग नहीं जीती जा सकती, तो ये नोट्स जो होते हैं आपके लिए एग्ज़ाम में हथियार से कम नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है स्पीडी बुक है सर, बहुत बढ़िया स्पीडी बुक है, लेकिन आपकी स्पीड कितनी है विजेंद्र, मैटर ये करता है। अनिल राजपूत कह रहे हैं सर जी मैं आर्मी GD का स्टूडेंट हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, ईश्वर करे कि आप आर्मी में जल्दी सेलेक्ट हों और देश की सेवा में लग जाएं। कंप्लीट नोट्स बना रहा हूँ, गुड गुड बहुत बढ़िया बेटा, ठीक 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 बेटा, गुड इवनिंग मैं कोच, गुड इवनिंग ऋचा सर, मैं अभी से स्टार्ट की हूँ स्टडी सर, मुझे सेलेक्ट होना है इस बार, बिल्कुल आप होंगी बेटा। चलिए तो आप लोगों का जो
रिव्यू देख करके मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात की जो है खुशी हो रही है कि आप लोग तत्पर हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, और आप लोग जो हैं बिल्कुल अटेंड कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं बस अपने अंदर इस जोश को कभी मरने मत देना, कभी कम नहीं होने देना। बाकी हम लोग जो है बिल्कुल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आप लोग जल्दी ही सेलेक्ट होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। आज जोग फॉल जो कर्नाटक में है, ये किस नदी के ऊपर है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट है लेकिन आपके दिमाग में ये कहीं बैठा है, ये मैटर करता है। ठीक है, आप किसी सड़क से जा रहे हो, कई बार आप किसी अपने मम्मी पापा के साथ नाते रिश्तेदार के साथ आप कई बार गए हैं उस रास्ते से, लेकिन आपको जगह ही नहीं पता है, तो क्या मतलब है उस जाने का? तो वही चीज है, क्वेश्चन कई बार आया लेकिन आपके दिमाग में नहीं पता है, तो फिर क्या मतलब उस चीज का? यहाँ पर ये कहने का मतलब, ये समझाने का मतलब है। तो जोग फॉल जो कि कर्नाटक में है, एक चीज आपको पता चली जोग फॉल कहाँ है, कर्नाटक में। दूसरी चीज आपको पता चल जाएगी किस नदी के ऊपर है, तो नदी है शरावती नदी। बच्चों शरावती नदी के ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें डेटा निकल के आए हैं कि जोग फॉल कर्नाटक में है और वो शरावती नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं बच्चों आज का। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड है, विस्टा है, आईओएस है, या ओपरा है? ठीक है, ओपेरा। ठीक है, तो एंड्रॉइड नहीं है, विस्टा नहीं है, आईओएस नहीं, पता होगा आप लोगों को, मुझे इस बात की 100% गारंटी है, 100% मुझे पता है कि आप लोगों को इसका आंसर बिल्कुल पता होगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे इसलिए डाल देते हैं ताकि आप लोगों के बीच में कई लोग ऐसे भी हैं, कई बालक ऐसे भी हैं जिन्हें कई चीजें नहीं पता होती हैं। तो सबका साथ सबका विकास जो कि हमारा नारा भी है, हमारे देश का नारा भी है, तो ठीक है, ये आप लोग इसका उत्तर आप लोगों को पता है। और इसका उत्तर है ओपेरा। ओपेरा क्यों नहीं है? ओपेरा एक ब्राउजर है बच्चों। ठीक है, ओपेरा एक ब्राउजर है। ब्राउजर का काम क्या होता है बच्चों? सर्फिंग करने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए। चलिए, महफूज अहमद खान साहब, आप इतना गलत कैसे बता सकते हैं? आईओएस बेटा, वो तो आईओएस में ओएस खुद ही इसी बात को कह रहा है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए कोई नहीं, होता है, गलती से मिस्टेक हो गई। आगे बढ़ते हैं 53वें सवाल की तरफ आज के। द फोक डांस बोहाग बिहू इज पॉपुलर इन, लोग नृत्य बोहाग बिहू प्रचलित कहां? ऑब्वियस सी बात है, देखते हैं। उड़ीसा में। बिहू कहां पे है? बिहू है असम में, बोहाग बिहू उड़ीसा में। ठीक है, शाहनवाज खान बेटा 53 नहीं है, बिहू नहीं है, बिहू जो है असम में है, बोहाग बिहू की बात कर रहा है, बोहाग बिहू जो है उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 54th क्वेश्चन। डैश फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है, नाइलॉन 66, टेरिलीन, केवलर, या लेक्सन? ठीक है, तो किसका करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट, ये बहुत जरूरी चीज है। आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप लोग कहते हैं, बड़ी बार आप लोग नाम लेते रहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाना चाहिए था, बुलेट प्रूफ जैकेट ये है वो है, तो किससे बनता है ये, किससे बनता है ये चीज आप यहाँ देखिए, ये बनता है बच्चों, ये बनता है टेरिलीन से। ठीक है, टेरिलीन से, टेरिलीन से, ठीक है बच्चों, टेरिलीन से बनता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, रिगार्डिंग यूपीएसआई में क्या पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चंस तो नहीं बता पाएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा इस दुनिया में, लेकिन कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें क्या ना करें, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंडिविजुअली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं अपना यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो आप लोग इस पे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट वॉज डिजाइंड बाई, इंडिया गेट का डिजाइन डैश ने तैयार किया था, फ्रैंक लॉयड राइट,
एडविन लुटियंस, फ्रैंक गैरी या जहा हदीद। चलिए देखते हैं इंडिया गेट का डिजाइन। बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी डिजाइन के बारे में आया था। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, तो उसी तरह अभी आ रहा है ये, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया है? सबको पता है, मैं जानता हूं। ठीक है, एडविन लुटियंस ने, सर एडविन लुटियंस ने। चंडीगढ़ एक शहर है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? बच्चों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि चंडी केवलर भी है सर। ओके, केवलर क्या मतलब? केवलर नहीं समझ में आया बच्चा, चलो कोई बात नहीं। महफूज केवलर भी है सर। ओके, एडविन लुटियंस से बेटा, इंडिया गेट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, विच इज नोन एज द कार्बोलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो किसको हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं बच्चों? फिनॉल, को फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, और जो बच्चों एक चीज आप ये भी याद कर लीजिए कि जो ब्रिक्स है, जिस हिसाब से इसका नाम रखा गया है, उसी क्रम में इसका हर साल जो है बैठक भी होती है। जैसे अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि ये कौन सी बैठक है, मान लो जैसे 11वीं बैठक जो है, 11th, ब्राजील में पड़ गई, तो 12वीं पूछ रहा है तो रशिया के बाद आ रहा है, ये भी चलता है ब्रिक्स में। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है ऋचा, बहुत सही, इंडोनेशिया आपने बताया। विद विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सबको पता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। ठीक है, सीमा है। ठीक है, उसके बाद भारत की चाइना के साथ है 3000 समथिंग, और पाकिस्तान के साथ भी 3000 है। ठीक है, तो जो ये इधर की है, दादा ठाकुर कह रहे हैं 5 का D है। 5 का D कौन सा बेटा? 5 कहाँ चल रहा है क्वेश्चन बेटा? ये 4096, बहुत बढ़िया विजेंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है एंड यूडियोमीटर। यूडियोमीटर क्या मेजर करता है? यूडियोमीटर मेजर करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, टाइम, वॉल्यूम ऑफ गैसेस या वेपर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, समय, गैस का आयतन या वाष्प दाब। मुझे पता है सबको पता होगा इसका उत्तर, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैसों का आयतन बेटा ये मेजर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, दुर्गेश ने बिल्कुल सही उत्तर बताया था इसका, गैसों का आयतन मेजर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? अर्थक्वेक, ओजोन गैस, वोल्केनो या रिवर्स। तो जिसे इसमें सुरक्षा वाल्व कहा जाता है प्रकृति का, उसे कहते हैं वोल्केनो। वोल्केनो को हम लोग जो है सुरक्षा वॉल्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलेट्रोप ऑफ कार्बन? कार्बन का इसमें से कौन सा अपरूप नहीं है? नहीं है बच्चों, डायमंड है, ग्रेफाइट है, C60 या फिर इसको और किस नाम जानते हैं बेटा? ये C60 और कुछ नहीं है, फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर होता है पुलरीन का, वो है। ठीक है, C60 और कुछ नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वोल्केनो बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलेट्रोप ऑफ कार्बन? ठीक है, तो अपरूप नहीं है इसमें, डायमंड है, ग्रेफाइट है, मीथेन। वैसे होगा नहीं, हो पाएगा ना वो, तो
मीथेन कैसे, क्या फॉर्मूला है इसका? CH4 ठीक है, एल्केन ग्रुप का है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन CnH2n+2, ये सीरीज होती है इनकी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन या फिर रेडॉन, कौन सी है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए? रेडॉन बच्चों, रेडॉन है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। फॉर्मूला क्या है, सिंबल इसका है Rn, Rn फॉर रेडॉन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूटास जिनको इंग्लिश में कहते हैं ना राष्ट्रकूट, तो ये राष्ट्रकूट एम्पायर। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर, ठीक है, राष्ट्रकूट एम्पायर किसने रखी? कृष्णा वन, ध्रुव, दंते दुर्ग या अमोघवर्ष? प्रथम, मेरे हिसाब से सबको पता होगा इसका उत्तर, सबको पता होगा, लेकिन देख लेते हैं। दंते दुर्ग, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, दंते दुर्ग ने इसकी जो है नींव रखी थी, ठीक है। चलिए नोट करते रहिए बच्चों, नोट करते रहिए, दंत राष्ट्रकूट एम्पायर, दंते दुर्ग। अभी क्वेश्चन क्या आया था, ये क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा मोहन हड़प्पन की जो टेराकोटा और वो जो सील बनती है उसमें किस जानवर को नहीं रखते हैं? काऊ, ठीक है। क्वेश्चन है, उनके नोट बनाते रहिए, बार बार मैं एक ही बात पे क्यों एम्फेसिस डाल रहा हूँ आप लोगों से, इसीलिए डाल रहा हूँ कि मतलब आप लोग जो है जब आप पढ़ें रिवाइज करें तो बहुत अच्छे से आपके साथ ये चीजें हो पाए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who presented that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life? बहुत बढ़िया, लो यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? नाम है यहाँ पे स्लीडन तथा टी स्वान, वर्षा, पुरकिंजे या फिर ल्यूवेन हॉक। उनका नाम है स्लीडन और स्वान, ठीक है। स्लीडन और स्वान ने इस बात को कहा था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों कि स्लीडन और स्वान ने क्या बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि सभी पौधे एवं जंतु जो हैं वो कोशिकाओं से बने, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। पौधे और जंतु, हम लोग जंतु में आते हैं और पौधे, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी और जूलॉजी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी सेल से बनी है, और जो सारी सेल है मतलब जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बात कही है स्नीडन और स्वान ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? देख लो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। बात यही है कि रिचा रेडॉन की स्पेलिंग सही करो इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता है कि जो चौथा पिलर आजकल चल रहा है वो, क्योंकि उस समय तो नहीं माना गया था, वो आज भी नहीं माना गया है, ठीक है। चलिए मीडिया, तीन ही चीज बनाई गई थी, इंटरडिपेंडेंट है तीनों, इंटरडिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर, एक बार फिर से क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे, ये क्रायोमीटर है, पहले से ही हम लोग इसको एक बार पढ़ चुके हैं। द बीच सैंड्स, केरल में जो समुद्री तट की जो रेत है उसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। केरल की जो समुद्री तट की जो रेत है उसमें भरपूर मात्रा में केवल एक चीज पाई जाती है, वो है थोरियम बच्चों, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, वो पाया जाता है, उसका नाम है थोरियम। टी एच इसका सिंबल है, टी एच, ओके, टी एच इसका सिंबल है, थोरियम वहां पे पाया जाता है बच्चों, ठीक है। महफूज पढ़ रहे हैं मीडिया, शिवम कह रहे हैं डी, बहुत अच्छे। विजेंद्र ने सी बताया था, सी इसका बताया है, बहुत बढ़िया विजेंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते,
पहले लॉ ऑफिसर भारत के कौन होते हैं? पहला लॉ ऑफिसर, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और चूंकि अब आसान ये हो गया, पहले लोग इस पे ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, ठीक है, पर अब हमारे बच्चे पढ़ाकू हो गए हैं तो उन्हें पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, पहला लॉ ऑफिसर भारत का प्रमुख न्यायाधीश होता है, सीजेआई, महान्यायवादी होगा, विधि मंत्री होगा या महान्यायिकर्ता होगा, जो होगा इसका सही आंसर वो होता है अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को कौन असिस्ट करता है बेटा? वो होता है सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है। चलिए, अटॉर्नी जनरल हमारा, और लेखा जोखा अधिकारी जो भारत का सबसे बड़ा होता है बेटा, आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बताइए कि भारत का लेखा जोखा अधिकारी। हो, लव गुरु भी आ गए, और लव गुरु कह रहे हैं ए उसका उत्तर बेटा, वाह सही है। ऋचा भी बोल रही है ए, अच्छा चलो लव गुरु आप बेटा ए कैसे बता रहे हैं, सीजेआई कैसे कह दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनको असिस्ट करते हैं सोलिसिटर जनरल। अब आप हमें ये बताइए जो लेखा जोखा अधिकारी हमारे देश का होता है, सबसे बड़ा लेखा जोखा अधिकारी बच्चों कौन होता है, आप हमें ये बताइए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? हम तो सारे सुने हैं आपने, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, ऑर्टा, कौन सी होती है बच्चों? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए इसके बारे में। कैग, बहुत बढ़िया नीरज, बहुत बढ़िया बेटा, कैग होता है, कॉम्पटोरन एंड ऑडिटर जनरल। आप ये बताइए किस आर्टिकल में इनको जो है डिफाइन किया गया है, अटॉर्नी जनरल को और कैग को किस आर्टिकल में इन लोगों को डिफाइन किया गया है? केवल डेफिनेशन, द नेम्स, और इसका सही उत्तर है बच्चों लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है हमारी बॉडी में वो है ऑर्टा, महाधमनी, नाम ही बता रहा है महाधमनी, ठीक है, ऑर्टा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिल्डअप ऑफ विच एसिड इन अवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आप लोग कर ले जाओगे। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐठन उत्पन्न होती है? होती है ना, ये फील तो सब लोग करते होंगे, अम्ल निर्माण हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो ये कौन सी एसिड होती है सबको पता है, ये मुझे पता है, अभी देखो सही सही आ जाएगा इसमें उत्तर, लैक्टिक एसिड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कृष्ण कुमार ने बिल्कुल सही बहुत जल्दी उत्तर दिया था, लैक्टिक एसिड, गुड, नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। शुभम यादव सर ट्रेनिंग के बाद कितना हॉलीडे मिलता है? क्या कहें, चलो शुभम पढ़ लेते बच्चों। हाँ तो अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ युग्मित होता है? अपस्फीति के साथ, मुद्रास्फीति के साथ, मुद्रास्फीति जनित मंदी के साथ, या अति मुद्रास्फीति के साथ? इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आर्थिक विकास अगर आदमी का होगा आमतौर पर तो किसके साथ वो कपल्ड होगा? जैसे होता नहीं है दिन के साथ रात आता है, सुख के साथ दिन आता है, तो वैसे ही आर्थिक विकास के साथ कौन सी चीज युग्मित होती है? वो होती है इन्फ्लेशन, भाई महंगाई तो हो ही जाएगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट रिलेटेड टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश या सुभाष चंद्र बोस? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा ये। और इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी नहीं बना ली थी बच्चों, याद है आप लोग को? उस पार्टी का नाम क्या था? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने जो पार्टी बनाई थी बच्चों उसका नाम क्या था, ठीक है। चलिए, द एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड्स इज, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है, ICAR, ठीक है, ICAR, बहुत बड़ी संस्था है ये भी कृषि से संबंधित, RRB, इसका आप लोग फॉर्म भरते रहते हो,
स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और नाबार्ड। अब इस क्वेश्चन से आप हमें एक चीज और बताइएगा कि जो आरआरबी के होते हैं फादर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स कौन है, और क्वेश्चन तो बहुत निकले लेकिन नाबार्ड का गठन किस साल हुआ था। तो देखो आरआरबी का जो फादर है वो है एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स हैं, हरित क्रांति के भी जनक यही हैं, ठीक है, और रीजनल रूरल बैंक्स के भी यही हैं। और नाबार्ड जो हुई थी वो हुई थी 1982 में। तो दो क्वेश्चन अभी आपको यहां से और पता चले, ठीक है। तो सबसे बड़ी संस्था है बच्चों वो ICAR है, ठीक है, मैं बोला था कि ये सबसे बड़ी संस्था है किस चीज के लिए, योजना तैयार और समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेट कराने के लिए बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। जब पालों का डिक्लाइन हो गया था, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पालास व्हिच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया, सेन ने, गौड़ ने, इलियास ने या गणेश ने। पाल प्रतिहार काफी सारे वंश थे उस समय, तो ये है सेन उन्होंने किया था, ठीक है बच्चों, सेन उन्होंने किया था, प्रतिहार उधर के नहीं थे, मैंने तो बोल दिया गुर्जर प्रतिहार और ये सब उधर के नहीं थे, अगर केवल बंगाल की बात हो रही है तो पाल के बाद जो आए थे वो थे सेन वंश आया था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The definition of money bill is given in which article of the Indian Constitution? बहुत आसान क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धन विधेयक जो है, धन विधेयक की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में की गई है, 56 में होगी नहीं, 252 भी नहीं होगी, 256 भी नहीं होगी, चलिए बताइए बच्चों। एक सौ दस में परिभाषित है आपका मनी बिल बच्चों, धन विधेयक आपका 110 में परिभाषित है, 108 में बताइए, 108 में भी एक बहुत जरूरी चीज परिभाषित है बच्चों, 108 में क्या है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि 108 में क्या है बच्चों। नो, यूरिन में एक पदार्थ पाया जाता है, जो मूत्र में जो एक पदार्थ सामान्यतया पाया जाता है वो बच्चा वो क्या होता है, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, रक्त प्रोटीन होते हैं, क्रिएटिनिन होते हैं, या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, आप बताइए हमें क्या होता है बच्चों वो। वो होता है बेटा क्रिएटिनिन, ठीक है, पाया जाता है किसमें, यूरिन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्केट फॉर्म्स में इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स अ फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार जो होता है बच्चों कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, पहली बात मोनोपोली, सिंगल सेलर, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, सब जगह अब यही चल रहा है, ओलिगोपोली, ठीक है, मेनी सेलर्स, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। चलिए कौन सा एक मार्केट का जो तरीका है जो फर्म, एक फर्म जो होता है वो एक्सरसाइज कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसके ऊपर, मुद्रा के ऊपर, मूल्य के ऊपर, ठीक है, तो वो है परफेक्ट कंपटीशन, स्पर्धा, सीधी सी बात है भाई, परफेक्ट कंपटीशन होगा तो कहां से एक्सरसाइज कंट्रोल कर पाएगा, 10 रुपए का हम बेच रहे हैं, 8 रुपए का तुम बेचो, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है कि हम जो है बेच के अपना पूरा प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मोनोपोली में क्या होगी, हमने अगर फिक्स कर दिया 10 रुपए बेचेंगे और हम ही अकेले सेलर है वहां पे, तो क्या करेगा भाई, कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा, तो ये होता है एक्सरसाइज कंट्रोल करना, किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, प्राइस के ऊपर एक्सरसाइज कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो वहां पर केवल परफेक्ट कंपटीशन ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज लिमिटेड इन, बहुत बढ़िया, डिस्क्रिशनरी पावर भाई बहुत बड़ी चीज होती है गवर्नर के पास, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिए, गवर्नर साहब के पास हमारे एक डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, राज्यपाल का विधेयता अधिकार होता है, कहां पर सीमित आ जाता है, ये बड़ी चीज है, और ये आता है बच्चों विधेयकों को स्वीकृति देने के मामले में, क्योंकि ये कहां चला जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है, तो ठीक है, तो ये कहां पे आ जाएगा, एसेंट टू बिल्स के मामले में
ये इनका जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये लिमिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज होती है गवर्नर साहब का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर। साइंस के बच्चों जाग जाओ आप लोग। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? डिफ्लेक्शन शो करना। टू शो द डिफ्लेक्शन विद इन द सर्किट। ओके चलिए, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ऋचा ने पहले बता दिया, बी कह रही है। चलिए देख लेते हैं। हाई रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ोगे, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ोगे, हाई को सीरीज में, लो को सीरीज में। हाई को सीरीज में, गलत हो गए बच्चों आप। हाई को सीरीज में, कृष्ण कुमार सही हुए हैं बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हाई को सीरीज में। अब ये बताइए गैल्वेनो को एमीटर कैसे बनाएंगे? अगला क्वेश्चन, हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? वेरी गुड क्वेश्चन। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल जो आया है विधेयक मुद्रा बिल है या नहीं? बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। स्पीकर के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति जी के पास या फिर वित्त मंत्री साहब के पास? तो इसको लेते हैं स्पीकर साहब, स्पीकर लोकसभा के जो है, क्योंकि दिक्कत बात ये और कुछ नहीं है। मनी बिल जो होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ओरिजिनेट किया जा सकता है, और जब कोई एक बिल ओरिजिनेट हो रहा है किसी भी मेंबर के द्वारा, ठीक है, तो जब कोई एक मेंबर एक बिल पास कर रहा है तो पास होगा, तो फिर कैसे पास होगा? वो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट होता है तो स्पीकर साहब उसको देखते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वेदर द बिल इज कंसर्न्ड रिलेटेड टू दिस मॉनेटरी मैटर्स और इट इज अ जन फॉर जनरल पर्पस। तो क्योंकि मनी बिल ओरिजिनेट केवल लोकसभा में हो सकता है, तो इसीलिए डिसाइड करते हैं स्पीकर साहब लोकसभा के कि वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय किसका एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, एंशियंट माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड भी क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से सबको पता भी होगा इसका उत्तर, कि बच्चे का भी तेज है। तो उत्तर है फोल्ड माउंटेन, परतदार पर्वत है। ठीक है, परतें बनी हुई है ना, हिमालय रेंज, ठीक है, हिमालयन रेंज है ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एटॉमिक एक्सप्लोजन, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कंट्रोल्ड रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन? तो एटॉमिक एक्सप्लोजन की बात हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक एक्सप्लोजन की बात हो रही है। चलिए इसका सही उत्तर है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है एटॉमिक एक्सप्लोजन को ट्रिगर करता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड, थाइमस ग्लैंड जो होता है, थाइमस एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, जिस हार्मोन को ये पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थायरोक्सिन, थाइमोसिन, थायरोनिन या कैल्सिटोनिन? ठीक है, हमें बताना है कि ये कौन सी हार्मोन को, ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन को सेक्रेट करते हैं बच्चों। ठीक है, ग्लैंड से हार्मोन याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है थाइमोसिन, थाइमोसिन को जो है पैदा करती है बच्चों ये। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जो है वायुमंडल की परत है जिसमें ओजोन परत होती है? जीनोस्फेयर, जोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या आयनोस्फेयर? चलिए मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये बात पता होगी कि क्या होता है इसका उत्तर। ठीक है, आज के हम लोग 84 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं बच्चों। आप देख सकते हैं कि कितना करंट आपका, कितना स्टैटिक आपका तैयार हो गया होगा आज, अगर आप लोग बिल्कुल मतलब डिलीजेंटली बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, चीजों को पढ़ रहे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में बच्चों एक चीज और होती थी, मैंने बताया था कि क्या उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने बोला था कि एक चीज उड़ती है, वो क्या थी? कौन सा हार्मोन हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रित करता है?
एच डी एच डी एस एच जी टी एच या एल टी एच हार्मोन बोन्स बोन्स के लिए एस टी एच हार्मोन बच्चों एस टी एच हार्मोन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द डेमोक्रेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स बुक के लेखक कौन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स प्रणब मुखर्जी सचिन तेंदुलकर चेतन भगत राहुल गांधी सभी लोग फैमिलियर हैं इन नामों से जो आप लोग बोर्ड पे समय देख रहे हैं बच्चों और वो है प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी काफी क्लोज भी रहे हैं किसके कांग्रेस पार्टी के प्रणव मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का ट्रॉपिकल एक कॉमन प्लांट जो पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में उसका नाम क्या है यूकेलिप्टस है ऑर्चिड है पाइन है या फिर टीक है ठीक है भैया तो आपको ये बताना है कि कौन सा प्लांट है ये प्लांट का नेम बताना है बच्चों का नाम है टीक टीक जो है सागौन सागौन जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं है ट्रॉपिकल डेसिडस है डेसिडस का मतलब क्या हो गया जहां पर पेड़ जो है पत्तियां जो है अपनी में कम होते हैं और ये जो है बिल्कुल लंबे बिल्कुल खड़े रहते हैं ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आज का वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं गुड्स विच आर मेंट आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो या तो कंज्यूम होंगी या इन्वेस्ट हो जाएंगी तो उनका नाम क्या है फाइनल गुड्स सीधी सी बात है बच्चों फाइनल गुड्स होंगे वो क्योंकि अब ये जो है अपनी लास्ट स्टेज पे है या तो यूज करो या फिर इन्वेस्ट कर दो इनको खाओ या बेचो वही चीज है तो उन्हें हम कहते हैं अंतिम वस्तुएं। चलिए द रेडिश ब्राउन ओरंगुटैन इज फाउंड ओनली इन द कंप्लीटली आइसोलेटेड रेन फॉरेस्ट ऑफ लाल भूरा ओरंगुटैन वर्षा वन किन जंगलों में पाया जाता है बोर्निया और उत्तरी सुमात्रा में मदागास्कर और बोर्नियो में मदागास्कर और उत्तरी सुमात्रा में या फिर दक्षिण अफ्रीका और बोर्निया में ये पाया जाता है बोर्निया और उत्तरी सुमात्रा में बोर्निया एंड नॉर्थ सुमात्रा में बच्चों ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं आज का किस बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री ने हाल ही में एक किताब लॉन्च की है बॉलीवुड द फिल्म द सॉन्ग्स द स्टार्स जो मुंबई में भारतीय सिनेमा पर आधारित है Which Bollywood actor or actress has recently launched a book based on the Indian cinema in showbiz capital Mumbai titled Bollywood, the films, the songs, the stars? और वो हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी ने इस किताब को लॉन्च किया है ठीक है बच्चों। चलिए आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है बच्चों मेरे साथ सबको पता होगा nowadays yellow lamps are used to light the street which of the following gas is used in those lamps और वो है सोडियम फ्लोरोसेंट लैंप्स होती हैं ठीक है येलो कलर की ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग कौन सा अम्ल रबर वस्त्र रंगाई चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपयोग में आता है which acid is used in rubber textile leather and electroplating industries एथेनोइक एसिड मेथेनोइक एसिड मिलानिक एसिड या ब्यूटायरिक एसिड और वो है मेथेनोइक एसिड बच्चों ठीक है। 92 सवाल आज हम लोग के हो चुके हैं अभी तक 92 क्वेश्चंस कितने लोग पढ़ रहे हैं अभी भी नोट कर रहे हैं चीजों को समझ रहे हैं विजेंद्र पढ़ रहे हैं डेली लाइफ एस्पिरेंट
भी आ गए हैं पढ़ने के लिए, सूर्यकांत हैं है। बहुत बढ़िया बच्चों, इधर आप पढ़ते रहिए क्वेश्चंस। स्टैटिक के आज कम से कम काफ़ी क्वेश्चंस, 92 क्वेश्चंस मतलब मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एक मतलब अगर आप लगाने बैठ जाओ केवल, अगर आप इनको केवल पढ़ लो ठीक है। डिफरेंट सेक्शन से भी थे और कुछ क्वेश्चंस में मतलब एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी तो वहाँ किया गया, जहाँ नहीं जरूरत थी वहाँ करने की कोई ज़रूरत है अभी नहीं, क्योंकि अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऑल्सो लीड्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज, तो वो ज़रूरी नहीं है कि किया जाए ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, पीनियल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पीनियल ग्लैंड रिलीजेस विच हार्मोन। मेरे को पता है कि सबको पता होगा बच्चों, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है। ओके, एंड द राइट आंसर इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ठीक है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे बच्चों ठीक है। इग्नोर नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए व्हाट्सो एवर करेंट अफेयर्स यू गेट ठीक है। और आने वाले किस हर एग्जाम में लगभग करेंट अफेयर्स की जरूरत होती है ठीक है। मैंने बोला था कि बेसिकली जैसे बैंकिंग का अगर कोई एस्पिरेंट है तो उसके लिए करेंट अफेयर्स में क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, ऑथर्स ठीक है, स्पोर्ट्स और हाँ अपॉइंटमेंट्स में ही आ जाएंगे। जैसे राजदूत नियुक्त किए जाते हैं भारत से बाहर किसी के ठीक है, तो भारत में कहीं के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, कोई भी अपॉइंटमेंट होती है ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और स्पोर्ट्स का सारा सारा है, स्पोर्ट्स बेसिकली तो जो बैंकिंग कवर करता है वो होता है कि फॉर्मूला वन पे ठीक है, और जो टेनिस ओपन्स होते हैं उनको कवर करता है बैंकिंग। बाकी स्पोर्ट्स जो अगर हम बताएं, हमें लगता है कि यूपी का अगर कोई एग्ज़ाम है वो कवर करता है, तो बेसिकली वो पूछता है कि जो अवार्ड दिए गए हैं, ध्यानचंद पुरस्कार होता है, अर्जुन पुरस्कार है, तो एक सेट ऑफ प्लेयर्स को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दिया जाता है गुरुओं को, तो वो लोग पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो है किस खेल से संबंधित है, या फिर वो पूछ लेते हैं कि वो प्राइज मनी क्या होगी। जो एक क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बच्चों, मैं उसकी बात अगर कह रहा हूँ ठीक है। आप बैंकिंग में है विजेंद्र, तो बैंकिंग में है बच्चा आप, तो आप बेसिकली फोकस करिए अपॉइंटमेंट्स पे, जितने भी अपॉइंटमेंट्स आप होते हैं। और प्रयास अब ये करिए कि पहले होता था 3 महीने का लोग पढ़ते थे, अब 6 महीने का आप पढ़ के जाइए। अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, ऑथर्स ठीक है, ये चीज़ 3 हैं, इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। हाँ, और जो बैंकिंग के होते हैं, जो एब्रीविएशंस होते हैं बच्चों, उन पे आप जरा ज़्यादा फोकस कर लीजिए ठीक है। क्योंकि उसमें एब्रीविएशन में ये लोग क्या करते हैं कि एक को गायब कर देंगे, एक वर्ड गायब कर देंगे और उसका पूछ लेंगे कि क्या वर्ड होता है। जैसे ओ गायब कर दिया, फिर उसकी जगह पे वर्ड उठा करके डाल दिया कि ऑप्शनल होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, ऑपरेशनल होगा, तो एलिमिनेशन भी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये डिपेंड करता है किस लेवल का पेपर दे रहे हैं। मानो अगर जैसे आरआरबी क्लर्क का दे रहे हैं तो अलग बात है, आरआरबी, और अगर एसबीआई पीओ का दे रहे हैं तो देर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द लेवल ऑफ क्वेश्चन बींग आस्क्ड। तो आप लोग ये देख सकते हैं, यही चीज़ होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में जब आप दे रहे होते हैं, स्टेट लेवल का दे चाहे सेंट्रल लेवल का दे, तो यही काफ़ी वेरिएशन होता है। ये आप लोगों को बच्चों खुद देखना पड़ेगा कि कैसे आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं और किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुगारू जल संयोजक निम्न में से किनके बीच स्थित है, स्ट्रेट ऑफ सुगारू लाइज बिटवीन होकाइडो और होनशू। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, होनशू और शिकोकु, होनशू एंड क्यूशू, एंड क्यूशू एंड शिकोकु, जापान में सारे स्थित है ये ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों, इसका उत्तर है होकाइडो एंड होनशू, होकाइडो एंड होनशू। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये भी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम ठीक है, अफीम का कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, अफीम सबसे ज्यादा किस देश में प्रोड्यूस की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है ठीक है। सर यूपीएसआई का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम टाइम में,
डेली लाइफ एक्सपीरियंस पे जैसा पूछ रहे हो तो क्वेश्चन उसमें ऐसा होता है कि 160 क्वेश्चन होते हैं और चार सेक्शन होते हैं। हिंदी से आपका स्टार्ट होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आएगा मैथ का 40 क्वेश्चन आपका आएगा, फिर नहीं उसके बाद जीएस आता है बच्चा, फिर मैथ आता है, फिर रीजनिंग आता है, जो इस बार मतलब 2016 का जो हिसाब किताब था, 2011 बस टोटली डिफरेंट, उसमें मूल विधि का पेपर 100 क्वेश्चन का अलग होता था। तो अब आप लोगों के समय में हो सकता है वो नोटिफिकेशन नया हो, क्योंकि 5 साल में एक बार पेपर होता है, तो यू कांट गो फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर ऑल्सो, क्योंकि मान लो कि अगर एग्ज़ाम का जो एक तरीका प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, वही चेंज कर देंगे तो फिर क्या करोगे आप। ठीक है, फिलहाल अगर आप अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हो तो सफिशेंट टाइम होता है बच्चा, 2 घंटे का समय होता है और 160 क्वेश्चन होते हैं। मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन हिंदी के करने में आपको 15 मिनट लगेंगे, 40 क्वेश्चन जीएस करने में आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे, 22 मिनट तो 15 27 मिनट हो गए टोटल। और फिर रीजनिंग करने में आप अपना समय ले लो, मान के चलो 40 क्वेश्चन है, तो बैंकिंग लेवल की तो उसमें आती नहीं है रीजनिंग, रीजनिंग में थोड़ा मिक्स ब्लेंड होता है, बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों होता है, तो एवरेज टाइम आप मान लो कि 30 मिनट ले लो आप उसमें। ठीक है, 40 क्वेश्चन करने में तो 27 30 57 और आपके फिर बच रहे हैं 63 मिनट, तो 40 क्वेश्चन और 63 मिनट मैथ के। आई सपोज आपका मैथ कितना भी वीक होगा लेकिन आप अपना सेक्शनल तो निकाल ही ले जाओगे, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू अटेम्प्ट दिस यूपीएसआई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आर ओ कह रहे हैं 2016 वाला लेवल ऑफ एग्जाम बहुत ही बेटर था, इट वॉज टफ लेंदी, इट वॉज दो लेंदी बेटा, एंड अच्छा इट वॉज टफ एंड लेंदी एंड सेक्शनल 50% स्कोर कर पाना ईजी नहीं था, बट कैन बी डन। जब आप बट कैन बी डन कह रहे हैं तो कहाँ से आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाता। ठीक है, ईजी नहीं था, मानता हूँ इस चीज़ को, बट ऐसा भी नहीं था कि नामुमकिन था, मुश्किल था ये बात था, और इसीलिए थोड़ी दिक्कतें चल रही। सर उम्मे संस्कार से मैथ करवाओ ना, उमा शंकर, अच्छा उमा शंकर सर से, ओके ओके ओके, ठीक, वो होगा बच्चा, वो देखा जाएगा। ठीक है, अभी नहीं पता कौन पढ़ा रहा है लेकिन ठीक है, चलिए अगला ये इसको देख लेते हैं। आप इस पे इस क्वेश्चन के ही मतलब पैरेलली आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का, चूंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो ज्यादातर लोग, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है अफीम की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बच्चा, कौन सा जिला है। चलिए, इसका उत्तर है अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने इसका उत्तर पहले से ही दे रखा है। ठीक है, अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन के साथ हमें आप और बताइए कि अफगानिस्तान के साथ जो भारत की बाउंड्री शेयर होती है बच्चों, भारत की बाउंड्री वो कितनी किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में इस चीज को बताइए कि कितनी बाउंड्री शेयर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे, बाराबंकी, बहुत बढ़िया बेटा, बाराबंकी से तो नहीं है आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड दैट एट दैट टाइम वाइल द एंथुजियाज्म ऑफ द पब्लिक वॉज द पीक ऑर्डरिंग द रिटर्न वॉज नॉट लेस देन द नेशनल मिसफॉर्च्यून, उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था। हिंदी में देखिए, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए इसी से, चरमोत्कर्ष, चरम और उत्कर्ष दोनों, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम ना था, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, हिटलर या पोरस, चारों ही नाम आप वाकिफ हैं। ठीक है, देखते हैं किस महान हस्ती ने इस बात को कहा था। रायबरेली, ओके ओके, चलिए आप बताइए रायबरेली का बच्चा क्या फेमस है, आप हमें ये बताइए, और इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बात को कहा था। चलिए हम अपने 97वें क्वेश्चन पे आते हैं, हु पायनियर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इयान डोनाल्ड, ए लेवरेन या रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की है, इयान डोनाल्ड ने की है, इयान डोनाल्ड ने किया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से प्रतिबिंब के कारण ऊर्जा की हानि क्या होती है, क्या है, व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आज रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता भी होगा इसका आंसर कि क्या होता है ये।
इसको अल्बिडो कहते हैं बेटा, अल्बिडो, ठीक है। ये फेनोमेना होती है, एक इसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है जब रिफ्लेक्शन होता है, कहां से, अर्थ के सरफेस से, ठीक है। चलिए 99th क्वेश्चन फॉर द डे एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ओके। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या इन दो चीजों के बीच में एक संपर्क, एक संबंध बताता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम प्रेशर के बीच में, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में, या फिर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, या रायबरेली के समोसे। समोसे तुम जरूर खा लो, आ रहा हो, रायबरेली के समोसे फेमस है। सही है, तो समोसे की इंग्लिश आप हमें आ रहा हो बताएंगे कि समोसे की इंग्लिश क्या होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया है, समोसे के लिए फेमस है, अरे हद होती है यार। चलिए, तो चार्ल्स ला किस दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करता है बच्चों? वो करता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, और किस तरह का संबंध होता है बच्चों, किस तरह का संबंध होता है? इनवर्सली, ठीक, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन E2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दी डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर दी डे, देखेंगे। भारत में हाल में प्रारंभ किया गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है? विच वन ऑफ दी फॉलोइंग पॉल्यूटेंट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन AIR क्वालिटी इंडेक्स रिसेंटली स्टार्ट इन इंडिया? पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, CFC या कार्बन मोनोऑक्साइड? इंदिरा गांधी की ससुराल रायबरेली। वाह, क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग, सच में क्या बताएं यार, बच्चे मन के सच्चे। चलिए, सो दैट पॉल्यूटेंट विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स रिसेंटली स्टार्टेड इन इंडिया इज ओजोन। द फॉर्मूला फॉर ओजोन इज, ओजोन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? O3 O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म्स O3, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी स्टैटिक की बच्चों, और स्टैटिक की क्लास आज यहीं पे एंड होती है, और आप, उम्मीद करता हूँ कि जैसे 100 क्वेश्चन आज जो पढ़ाए गए हैं वो आप लोगों को समझ में ही आए होंगे, और आप लोगों ने उसको नोट डाउन भी किया होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, ठीक है, और पढ़िए, रिवाइज करिए। हम सुबह शुरू से, मतलब आज के लेक्चर में कहते चले आ रहे हैं कि रिवीजन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों ने रिवीजन किया ही होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।